खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां जसपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि गश्त के दौरान दो आरोपी जिशान और फैजान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नशीली दवाइयां मिली है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी पुलिस टीम गश्त में थी, इसी दौरान अचानक से दो व्यक्ति एक सड़क किनारे नई बस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने जो हमें देखकर भागने लगे। जिन्हें रोका तो उनके कब्जे से नशीले टैबलेट्स बरामद हुए हैं, जिस संबंध में कोतवाली जसपुर में एफ पंजीकृत कराया जा चुका है। और ये जानकारी पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा एक जसपुर में ही एक मेडिकल स्टोर है, उत्तरांचल मेडिकल स्टोर, वहाँ से ये लोग माल लाते थे, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए व्यक्तियों के नाम जिशान और फैजान हैं, इनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, जानकारी की जा रही है।